सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। एक अच्छी सी स्माइल करो और बताओ कि सब ठीक है, क्योंकि किसी को कुछ परवाह नहीं होता कि आप कितनी तकलीफ में हो। जंग हो या जीवन, दोनों में कभी ना हार मानने वाला ही सूरवीर कहलाता है। देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है जब तक व्यक्ति अपना पसीना नहीं बहाता है। दूसरों की सफलता पर नजर रखने से अच्छा है अपने काम पर ध्यान देकर उसे बेहतर बनाया जाए। आज का पंचांग 22 जुलाई 2023 दिन शनिवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 9:26 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र शाम 4:58 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:05 से 10:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर रात्रि 11:42 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 22 जुलाई 2023 दिन शनिवार, आज आप किसी असंभावित साझेदारी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इससे आपको रोमांच और साहसी होने की अनुभूति भी होगी, परंतु यह देखना होगा कि यह साझेदारी कितनी सफल होगी। किसी अप्रत्याशित स्रोत से समर्थन सहायता प्राप्त हो सकती है। अवसर बहुत कम समय तक ही मिलेगा, इसलिए आपको जल्दी ही फैसला लेना होगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मार्गदर्शन में आप अपनी कार्य प्रणाली और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगी। साथ ही किसी विशेष मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श भी होगा। अगर प्रॉपर्टी को लेकर लोन अथवा उधार देने की योजना है तो आपका कार्य जल्द ही हल हो जाएगा। काम से ध्यान भटक सकता है, कुछ कामों को लेकर चिंता रहेगी और उन पर विचार भी किया जाएगा। डर के फैसला ना बदले, हर बात पर चिंता करने की आदत आपके लिए रुकावट बन सकती है। कठिन परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार रखें। पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले नतीजों के बारे में सोचें। काम से जुड़ी किसी भी बात में गलती ना हो इसका ध्यान रखें। पार्टनर पर भावनात्मक दबाव डाल सकता है। सावधानियां, सामाजिक कार्यों के साथ साथ पारिवारिक गतिविधियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ न कुछ व्यवधान आने से मायूसी रहेगी। इस समय किसी भी तरह की यात्रा करना आपको मुश्किल में बात करते हैं लव लाइफ की। कुछ समय अपने जीवन साथी तथा परिजनों के लिए भी जरूर व्यतीत करें। युवा वर्ग व्यर्थ के प्रेम संबंधों में मौज मस्ती में पड़कर अपना नुकसान ही करेंगे। ध्यान रखें, आप जो अकेले हैं उनकी किस्मत उनका काफी साथ देगी। आपको अपना साथी आध्यात्मिक या खेलों से संबंधित जगहों पर मिल सकता है। जो पहले से किसी के साथ संबंध में है उन्हें कुछ दिनों के लिए इससे अवकाश लेकर ऐसी चीजों के लिए समय निकालना चाहिए जिसके लिए सामान्यतः उन्हें समय नहीं मिल पाता और वे उनके मनपसंद काम है। कभी कभी दो लोगों को एक दूसरे के साथ की कीमत अलग रहकर ही समझ में आती है। बात करते हैं करियर की। एक दोस्त या एक गाइडर के माध्यम से छात्रों को एक नया करियर विकल्प मिल सकता है और आप अपने करियर के रूप में इसे चुन सकते हैं, पर आपको एक गहन अनुसंधान की सलाह दी जाती है। आज पेशवरों में नई ऊर्जा का संचार हो सकता है। ये किसी भी परियोजना को शुरू करने के लिए एक अच्छा दिन है। सहकर्मी आपके मददगार साबित होंगे और आप टीम के नेता की भूमिका अच्छी तरह से निभाएंगे। कार्यस्थल पर दूसरों का हस्तक्षेप आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। बेहतर होगा कि सभी फैसले खुद ही लें। अगर कोई पेमेंट फंसी हुई है तो आज उसकी वसूली करने के लिए उचित समय है। साझेदारी के व्यवसाय में कोई नया काम शुरू ना करें। बात करते हैं सेहत की। आज आप चिड़चिड़े और बीमार से महसूस कर रहे हैं, ऐसा आपकी पेट की तकलीफों के कारण है, लेकिन
आपको यह तो समझना ही होगा कि बिना सोचे समझे कुछ भी खाना ही आपकी सब शारीरिक समस्याओं की जड़ है, जिससे बाद में मानसिक तनाव जन्म लेता है। आपको अपने डाइट पर नियंत्रण करना होगा। आपको शायद ऐसा कर पाना काफी मुश्किल लगेगा। अपने किसी दोस्त को अपने साथ अपनी इस कार्यक्रम में शामिल कर लें, उसकी मदद से आपको आसानी होगी। आज का उपाय, आज अब शनि भगवान जी को तेल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।